हाय प्रिटी लेडीज़, वेलकम अगेन बैक माय चैनल। एंड मैं हूँ मीनू, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप साड़ी को एज ए लहंगे के साथ कैसे वियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल जैसे साड़ी उल्टे पल्ले की हम बांधते हैं उसकी तरह आपको प्लेटों को अपने बनाकर और अपने टक इन कर लेना है। और फिर इसके बाद जहाँ आपको पीछे ले जाना है, पीछे आपको देखना है बैक में कमर पर कितना आपका आता है बीच में, उसके अनुसार आपको वहाँ से फिर प्लेटें बनानी है, सारी साड़ियों की प्लेटें बनाकर। और उसके बाद आपको एक बड़ी पिन से सिक्योर कर लेना है। सिक्योर करने के बाद आपको पीछे बैक में ये मिडल पार्ट में आपको टक कर देनी है अंदर सारी प्लेटें एक साथ, और उनको हल्का सा आपको फैला सकते हो। इसके बाद जो साइड का कोना है साड़ी का, उसको लेना है, उसकी छोटी छोटी प्लेटें आपको बनानी है। बनाने के बाद आगे की साइड लहंगे में आपको टक कर देना है। ध्यान रखिए, आपको बनारसी लहंगे का यूज करोगी तो ज़्यादा परफेक्ट लुक आएगा। और इसके बाद सारी प्लेटें आगे से एक साथ करनी है, और ये फर्स्ट लुक हो गया। अगर मैरिड हो तो आप इसको ही आपके सर पर ले सकते हैं, और इस तरीके से ये आपका सेकेंड लुक हो गया। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। और इसके बाद मैं एक बनारसी ही साड़ी इस लहंगे पर बांधूंगी, और आपको ये जो सेकेंड लुक है ये मैं आपको सीधे पल्ले में दिखा रही हूँ। तो आपको पहले सारी प्लेटें बनानी है। प्लेटें बनाने के बाद इनको सीधा पल्लू स्टाइल में आगे से प्लेटों को आपको लेना है, और उसके बाद पिन से टक इन कर देना है। और इसके बाद फिर आपको फिर से पहले की तरह आपको सारी प्लेटें लेनी है, और प्लेटें लेने के बाद सारी जो साड़ी की प्लेटें आपको बना लेनी है पहली स्टाइल की तरह ही इस तरह से। फिर आपको फिर से एक बड़ी पिन से सिक्योर कर देना है, और मिडल पार्ट में बैक में ले जाकर आपको सिक्योर कर देना है टक इन करके, और प्लेटों को आपको फिला लेना है इस तरह से। देखिए स्कर्ट का कितना अच्छा लुक आ रहा है। और फिर से साइड से आपको लेनी है नीचे से जो साइड का साड़ी का कपड़ा बच जाता है, और इसको आपको आगे से इस तरह से फिनिशिंग देते हुए आपको टक इन कर देनी है लहंगे के अंदर। और फिर से जो प्लेटें हैं इनको आपको एक और ब्लाउज़ के साथ सिक्योर कर देनी है, और फिर आपको एक कोई भी कमरबंद ले लेनी है, और इसके साथ इसको इस तरह से अटैच कर देनी है। और ये बहुत ही प्यारा लुक लगता है। आप किसी भी अपने जो पुराना स्कर्ट है या फिर अपना जो पुराना बनारसी लहंगा है उसके साथ आप कर सकते हैं। और थर्ड हेयर स्टाइल में मैंने ये लहंगे की ही चुन्नी ली है। लहंगे की चुन्नी को प्लेटें बनाकर पहले एक साइड सारी प्लेटों को बनाकर अटैच किया है, और दूसरी साइड ओपन में करा है, और इस तरह एडजस्ट करने थे। गर्ल्स के ऊपर ये वाली है स्टाइल काफ़ी अच्छी लगती है लहंगे के साथ। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा।